नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजवानी। आगरा में महिलाओं के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ रहा है। अपराधी इस कदर मनबढ़ हो गए हैं कि उनके सामने पुलिस और प्रशासन का कोई डर भी नहीं रहा है। बीते कुछ दिन पहले आगरा के एक होटल में लड़की के साथ गैंगरेप की घटना ने शर्मसार किया था और अभी ये मामला ठंडा भी नहीं पड़ा था कि एक और मामले ने आगरा को फिर से शर्मसार किया है। ताजा मामला आगरा के हाई प्रोफाइल बार का है। क्या था ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। आगरा में डर लगता है, महिलाएं गरी न जाने कब कहां और कैसे उन पर हमला बोल दिया जाए। ऐसा लग रहा है जैसे पुलिस सो रही है, आराम फरमा रही है और अपराधी बेखौफ होकर अपराध को अंजाम दे रहे हैं। महज कुछ दिन पहले मोहब्बत की नगरी से अपराध का पैगाम आया। जी हाँ, ऐसा अपराध जिसे देख कर आपकी भूख काप जाए। ये सिसकियां, ये आंसू, ये डर और लड़खड़ाती आवाज रहम की भीख मांग रही है, लेकिन अपराधियों का दिल नहीं पसंद। ये तस्वीर सरकार के उन दावों को हवा में उड़ा देती है जिसमें सूबे के हाकिम महिलाओं को सुरक्षित माहौल देने का दम भरते हैं। कहां गया कानून का डर, कहां गया खाकी का डर, कौन रोकेगा ऐसे अपराध और अपराधियों को। आगरा की समाज सेवी ने महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध पर सवाल खड़े। बिल्कुल शर्मनाक घटनाएं जो इस तरह की वारदात महिला बच्चियों के साथ हो रही है। एक तरफ सरकार सुरक्षा रक्षा की बात करती है, महिलाओं की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, महिलाओं के सम्मान की बात करती है, मगर मैं समझती हूँ कि आगरा प्रशासन की नाकामी है कि अगर इस सब के बावजूद अगर ये घटनाएं अंजाम दी जा रही हैं और इस तरह का हो रहा है। जैसे मैंने अभी एक घटना पढ़ी थी अखबार में कि एक बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ, या जो कैफ़े हैं इस तरह के जो घटनाएं संज्ञान में आ रही हैं कि वहाँ पर बच्चियों को शराब परोसी जा रही है, ऐसी आपत्तिजनक चीज़ें वहाँ पर पेश होती हैं जिनके पता भी नहीं कि कितने कैफ़े हैं, उनके लाइसेंस हैं भी या नहीं हैं। तो प्रशासन से ये अपील है कि सरकार का काम है जो कर रही है, मगर आपका दायित्व बनता है कि आप गहन चिंतन करें इस बात पे, वहाँ जाकर चेक करें अगर हुक्का शराब सिगरेट इस तरह की चीज़ें परोसी जा रही हैं जो इलीगल हैं, और वो भी बच्चियों की। इससे हमारे बच्चियों का, बेटों का, बेटियों का भविष्य खराब होता है, दाव पर लगा है, तो उस पर ज़रूर विचार करना चाहिए और सख्ती से कार्रवाई। हालांकि इस मामले में पुलिस ने गिरफ्तारी भी की है और आगे की जाँच जारी करने का दम भर रही है। कल थाना ताजगंज पुलिस को सूचना मिली थी कि बसई चौकी क्षेत्र के रिच होम स्टे में एक महिला के साथ दुष्कर्म व मारपीट की घटना हुई है। उक्त घटना का संज्ञान लेते हुए पीड़िता की तहरीर के आधार पर दुष्कर्म, मारपीट व अन्य सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। घटना में शामिल 5 अभियुक्त जिसमें 4 पुरुष व 1 महिला है को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है, विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। ये घटना महज कुछ दिन पहले ही घटी। इस घटना से आगरावासी उभर ही पाते कि एक और घटना में महिला सुरक्षा के दावों पर सवाल खड़े कर लिए। जी हाँ, आगरा के मशहूर बार में परिवार के संग खाना खाने गई महिलाओं के साथ जो घटा वो भयावह था। यहाँ कुछ युवकों द्वारा महिलाओं के मुंह पर सिगरेट के छल्ले उड़ाए गए, डांस करने के लिए जबरन खींचा गया, विरोध करने पर बियर की बोतलों के कांच उन पर फेंके गए। बार और रेस्टोरेंट में एक परिवार के साथ दहशतगर्दी की इस घटना से परिवार और आगरा दहशत में है। दबंगों की दबंगई देखकर आप भी सहम जाएंगे। मामले में पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी गई। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें जेल भेज दिया है। एक वीडियो प्रकाश में आया जिसमें कुछ युवक एक होटल के अंदर एक परिवार से मारपीट और अभद्रता कर रहे हैं। जानकारी करने पर यह ज्ञात हुआ कि ये वीडियो ताजगंज थाना क्षेत्र स्थित मॉलिक्यूल रेस्टोरेंट का है और इस वीडियो का तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना ताजगंज पुलिस ने सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया। 4 अभियुक्त जो इस घटना में इन्वॉल्व थे और इस वीडियो में भी दिख रहे हैं, उन 4 को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। पर्यटन नगरी आगरा में रोजाना हजारों और देशी विदेशी पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। पर्यटक ताजमहल समेत अन्य स्मारकों का दीदार करते हैं, इसके बाद होटल और रेस्टोरेंट में जाकर खाना भी खाते हैं। अब लगातार हो रही ऐसी घटनाओं के बाद आगरा के लोगों में भी गुस्सा है, वो भी प्रशासन और सरकार से सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहाँ पर इस तरह की जो घटनाएं आए दिन हो रही हैं, अभी हाल ही में एक घटना हुई है जो गैंगरेप का मामला सामने आया था और उसके तुरंत बाद ये घटना मॉलिक्यूल की भी है,
जहां पर इस तरह की एक घटना हुई। तो कुल मिला के सारा जो मामला है वो शराब को लेकर के है। शराब का सेवन होता है दिन और रात दोनों, रात में क्योंकि दिन में थोड़ा सा पुलिस चौकन्ना रहती है, मगर रात में क्या होता है ये सारे खुली तरह से शराब का सेवन करते हैं, खुली तरह से शराब पीते हैं, परोसी जाती है। अलग अलग रूफटॉप बने हुए हैं आगरा के अंदर जहाँ पर उनके पास लाइसेंस नहीं भी है, उसके बावजूद भी वहाँ पे शराब का सेवन होता है, ये दावे भी करती आ रही है। मगर कहीं ना कहीं ये सारा जो मामला सामने आता है ये सरकार पे भी एक चिन्ह है। जहाँ शराब बिकती है या परोसी जाती है वहाँ पे जो काम करने वाले कर्मचारी हैं उनकी एक लिस्ट होनी चाहिए सरकार यहाँ के लोकल प्रशासन के पास, पुलिस के पास, ताकि जाँच हो सके कि भाई एग्जैक्टली हो क्या रहा है। शराब पीने के बाद जिस तरह से वो इन रोडों पर घूमते हैं, चाहे वो लड़का हो या वो लड़की हो, ही मिलती है, चाहे उनके मेन्यू कार्ड में शराब हो और चाहे उनके मेन्यू कार्ड में शराब ना हो, मगर वो फिर भी परोसी जाती है। पूरे वर्ल्ड के लोग आगरा घूमने के लिए आते हैं ताजमहल की वजह से। वहाँ पर किसी भी ऐसी गतिविधि का होना, इस तरीके की घटना होना, ये उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर में बड़ा प्रेशर चिन्ह लगाता है। इस बात को लेकर के व्यापारियों के अंदर में भी बहुत चिंता है, या लाइसेंस नहीं है और वहाँ पर जो है शराब का सेवन किया जाता है। तो मैं एक आगरा का नागरिक, सम्मानित नागरिक होने के अलावा हम लोगों की भी ये ड्यूटी है, हम लोग आगरा प्रशासन से हम लोग ये आग्रह करते हैं ऐसे बारों की पहचान की जाए जहाँ पर असामाजिक तत्व आते हैं, ऐसे लोगों की पहचान की जाए जहाँ पर आकर के वो तो हड़दंग मचाते हैं। ये अगर आप इसको लेकर के चलेंगे तो ये बहुत बड़ी घटना है। ये सरकार पूरी तरीके से फेल है, लेकिन सरकार के अंदर में जो लोग बैठे हुए हैं, जो सरकार को जो लोग चला रहे हैं, ये उन लोगों का दायित्व है। क्योंकि हमारे हम लोग समाज की संरचना कैसे कर सकते हैं, जो कि हमारा जो समाज है जिसके अंदर में बहुत सारे लोग हैं जो समाज की संरचना करते हैं, अगर वो लोग ही अगर ऐसा करेंगे तो ये बहुत गंभीर विषय का मामला है। देखना ये होगा कि आगरा पुलिस अपनी नींद से जागेगी, क्या महिलाओं की सुरक्षा का जिम्मा उठाएगी, क्योंकि अपराध जब बढ़ता है तो लोगों का भरोसा सिर्फ कानून और खाकी पर होता है, और अगर खाकी शांत रही तो फिर सवाल उठना लाजमी है। ताजनगरी आगरा में महिलाओं के साथ हो रही घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। बीते दो दिन पहले भी स्टे होम में एक युवती के साथ चार युवकों ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। ताज़ा मामला ताजनगरी आगरा के मॉलिक्यूल क्लब का है। वहां पर मैनपुरी से घूमने आए परिवार की महिलाओं के साथ कुछ मनचलों ने हद दर्जे की बदतमीजी शुरू कर दी। हालांकि आगरा पुलिस ने दोनों ही घटनाओं में कार्रवाई की है। दुष्कर्म वाले मामले में आगरा पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। वहीं मॉलिक्यूल में हुई घटना पर भी आगरा पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं ताजनगरी आगरा में लगातार हो रही महिलाओं के साथ घटनाएँ रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर प्रयास कर रही है, लेकिन ताजनगरी आगरा में उत्तर प्रदेश सरकार के वादे और दावे फेल होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि आगरा पुलिस कब तक ऐसे मनचलों के खिलाफ कार्रवाई करता है। अपने सहयोगी उमर के साथ जीशान अहमद, प्राइम टीवी आगरा। तो ताज नगरी एक बार फिर से शर्मसार हुई है। महिला के साथ एक बार फिर से ये जो बर्बरता की तस्वीरें सामने आई है, इसने सबको झकझोर दिया है, हैरान कर दिया है। अब आज सवाल है उन हुक्मरानों से जो लगातार ये बात कहते हैं कि महिलाएं यूपी में सुरक्षित हैं। आज सवाल है उस पुलिस प्रशासन से, आगरा के पुलिस प्रशासन से, जो लगातार ये कहती है कि हमारे यहाँ पर पर्यटक तो सुरक्षित है और साथ ही आम जनता भी सुरक्षित है, लेकिन जब ऐसी तस्वीरें सामने आती है तो ये वाकई सवाल पूछने पर मजबूर करती है सत्ताधीशों से और साथ ही पुलिस से, जो लगातार खुले मन से ये कहते हुए नजर आते हैं कि अब यूपी का जो वातावरण है, जो माहौल है, वो सुरक्षित हो चुका है महिलाओं, बेटियों, बच्चों के लिए। लेकिन अब ये तस्वीरें देखने के बाद आपको ये सोचना पड़ेगा कि क्या वाकई जो यूपी का माहौल है वो बेटियों के लिए सुरक्षित है या नहीं है। इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।